कुछ रिसर्च है आपके लिए, कुंडली के अंदर पैसा कहां से आएगा। दूसरा भाव जो कि नेचुरल काल पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र के इसके मालिक हैं, शुक्र पैसे के और बहुत सारे ऐश्वर्य के मालिक हैं और पैसा इनके अधीन है। अब सेकंड लॉर्ड ही पीड़ित हो जाए आपकी कुंडली के अंदर तो पैसा वीक, पैसा कमजोर। सेकंड लॉर्ड अच्छे घरों में बैठ जाए तो पैसा अच्छा। अच्छे घरों में मतलब आपका सेकंड लॉर्ड कोई भी हो, कुछ भी, आपकी कोई भी राशि वहां लिखी है, राशि का मालिक कहां पे है डिपेंड, उस राशि के अंदर बैठा हुआ है, सेम उसी घर में बैठा हुआ है या वो किसी अच्छे घर में बैठा हुआ है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, अपने से चार घर दूर है, अपने से 11 घर दूर है, यहां से पैसा आपको आए, ये आपका पैसा डिसाइड करेगा पैसा आपके पास रहेगा या नहीं रहेगा, आएगा या नहीं आएगा। पंचम हाउस, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस आपका स्पेकुलेशन का घर है, पूर्व पुण्य घर, आपके पूर्व पुण्य का पैसा यहां से आपको मिलेगा, जो आपने पुण्य किया उसका बेनिफिट यहां से मिलेगा। लक्ष्मी स्थान उसको कहा जाता है, दादाजी का घर ये है और आपके पास्ट लाइफ के कर्मास का पंचम हाउस में भेद छुपा हुआ है, यहां से भी पैसा। आपने जो कर्म किए पंचम राशि कैसे मिली ये डिपेंड करेगा कि आपका पैसा आपको कितना मिलने वाला है।